काली पूजा समिति की तमाम हमारे युवा साथी श्री समिति यहाँ के साथीगण बहुत खुशी की बात है। खास करके आप लोगों ने जो यहाँ पर अभी माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को जो आप लोगों ने यहाँ पर अपना बात रखने का जो काम किए बधाई के पात्र है। खास करके रामगढ़ विधानसभा की जनता धन्य है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जैसा नेता आज हम लोग को मिला हुआ। कोई दो बात कहने में कोई चुप नहीं होता है कि कोई भी समस्या अगर हम लोग लेके जाते हैं, चाहे दुलमी प्रखंड हो, चितरपुर हो, गोला हो या रामगढ़ हो, रामगढ़ विधानसभा के जनता के हर सुख दुख में बसने वाला एक ही नेता माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी है। आज हम लोग सभी जगह पर, चाहे मंदिर हो या गांव में ट्रांसफार्मर हो, जल मीनार हो, गांव में रोड हो या शिक्षा का व्यवस्था हो, आप लोग देखे हुए कि चंद्र प्रकाश चौधरी के यहाँ जो भी मांग रखने का हम लोग काम किए हैं और सबसे ज्यादा साथ के हमारे अभिभावक लोग यहाँ पर है। लोग जानते हमें कि रामगढ़ जिला अगर कैसे बना, सब लोग आप लोग जानते होंगे कि हम लोग हजारीबाग जाते थे, एक अगर केस रहता था तो दिन भर लग जाता था और उसको खत्म करने का काम कौन किए। तो हम कहना चाहते हैं कि आपके बदौलत आज रामगढ़ जिला बना। चंद्र प्रकाश चौधरी आप जैसे यहाँ की जनता बोले भारत जनता अगर एक एक वोट देकर अगर विधायक नाम ले लिए गलती कोई दिक्कत नहीं। हम कहना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से हम लोग आज डायरेक्ट आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान को हम लोग पूजा करते हैं कि भगवान हम लोग को कुछ फल दे, पानी सवेरे ला के खाते हैं, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी के यहाँ गाँव और टोले का अगर समस्या लेके जाते हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी उसको समाधान करके दिखाने का काम किए हैं। आज उसका ताजा उदाहरण है, एक आदमी में एक अगर कोई लाल है जाकर में तो चंद्र प्रकाश चौधरी है। हम लोग आज गांव में रहने वाले और गांव को चाहे महिला हो, नौजवान हो, अभिभावक हो, मान सम्मान रहने के लिए चंद्र प्रकाश चौधरी आपके हर सुख दुख में साथ रहने का काम करते हैं। हम पूरे ग्रामीण जनता से जागरण करना चाहते हैं। आज बल्कि को ना जो आज हम लोग रामगढ़ में जाके जब पानी टंकी जल मीनार देखते थे, लेकिन आपके बल्कि को हमें दो बड़ा बड़ा पानी टंकी बना के माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ के जनता को हर घर में नल के द्वारा पानी देने का योजना है, वो जमीन पर उतारने का काम किए हैं। इस चलते आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग आज चंद्र प्रकाश चौधरी को जिस तरह 5 साल में बार वोट देते हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी आज हम लोग को 300 क्वेश्चन दिन एक साल में होता है, सभी दिन अगर हम लोग कोई भी समस्या लेके जाते हैं, अगर वो आए या नहीं आए फोन के माध्यम से उनका खर्च आता है, उनके माध्यम से हम लोग समाधान करने का काम करते हैं। आप लोग सही कहना चाहते हैं, मुझे अमृत जी बताए ये मंदिर आपके गांव में खर्च करके बल्कि कोना में या पंचायत में चाहे 50 मंदिर हो, आप लोगों को सभी जगह पर माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से जो सहयोग मिलता है उस सहयोग सभी जगह पर गिराने का काम करेंगे। उसका ताजा उदाहरण है, आज हम लोग ये नहीं चाहते हैं हमारा गाँव सिर्फ हम दुलमी प्रखंड चाहते हैं, हम लोग भी दुलमी प्रखंड आप लोग सभी लोग जाते हैं। 189 मंदिर माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से वहाँ पर बनाने काम किए हैं, रायल सीमेंट टाइल्स मारो और मंदिर बन के वहाँ पर चाहे कुटी हो रंग लोगों का सामान हो, सभी जो माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से हम लोग देने का काम किए हैं। और सब मंदिर में अभी बाजा भी देखे उनकी बाजा भी आपका जो यहाँ पर विजय जी भी है उनको भी हम लोग बधाई देना चाहते हैं। उनके माध्यम से पूरे विधानसभा में जो मंदिर है सब जगह पर हम लोग साउंड सिस्टम देने का काम किए हैं। उसका एक ही श्रेय जाता है चंद्र प्रकाश चौधरी का जो उन्होंने देने का काम किए हैं हम लोग को उनका। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे शादी में दोनों तरह से चाहे लड़का पचो या लड़की और बुआ होता है, उसी तरह हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो आपका बात है उस बात को चंद्र प्रकाश चौधरी के यहाँ हम लोग रखने का काम करते हैं। और सामान हम लोग चंद्र प्रकाश चौधरी से ही, चंद्र प्रकाश चौधरी आए या नहीं आए हम लोग आके आपके बीच में देने का काम करते हैं। मंदिर में रमेश रानी जी अभी बताए कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ये बात किए, हम अपने तरफ से विश्वास दिलाते हैं मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भी यहाँ बात नहीं आए, लेकिन उनका बात
अब इस तरह रात हुआ आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रायल खराब भी लगेगा, आपको कुटी भी हम लोग देने का काम करेंगे और मंदिर में यहाँ पर साउंड सिस्टम भी हम लोग देने का काम करेंगे। उसके बाद में हम लोग पूरे विधानसभा में एक है कि लाइन में बात करता है 5 बजे हम लोग यहाँ पर भक्ति जागरण करना होता है, उसमें लाइन कर देता है तो बाजा नहीं बचता। तो मंत्री जी का सोच है कि राम लोग विधानसभा के सभी मंदिर में भी जिस तरह सहयोग देने का काम किए हैं सभी मंदिर में हम लोग इन्वेटर देने का काम करेंगे ताकि लाइन भी कटे तो हमारा यहाँ पर जागरण हो सकते। नया मोर्च से जरूरत है, बहुत लोग पूछता है ग्रामीण जनता अभी तक काम चालू नहीं हुआ, काम चालू हो गया था आपका इधर ग्रामीणों का बहुत परेशानी होता है, यहाँ के जनता ठीक है नहीं बोले लेकिन हम लोग भी हर रोज से रोज आना जाना करते हैं। आप लोग सही आशा करते हैं कि जिनका भी जमीन रोड के बगल में है उनको आप अगर नहीं आपका भी नहीं है या जिनका है उनको सहयोग करने का काम करेंगे ताकि रोज जिनका चोरी कर रहा है उसके सामने में सहयोग पूरे ग्रामीण जनता करे और आपको जो बरसात के दिन में खासकर कठिनाई का सामना करना पड़ता था बरसात से पहले हम लोग इस रोड को भी खाली करना किसी से करने का काम करें और ये रोड जो यहाँ पर जो है बल्कि पूरा मोड़ से हम लोग इस रोड 70 मांगों तक के लिए 2 रिंग रोड का भी बहुत जल्द इनका भी हम लोग काम चालू करने वाले हैं। इस चलते आप लोग भोले भाले जनता से ही कहना चाहते हैं कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए, आने वाला कुछ ही दिन के बाद में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हम लोग को 9 तारीख को बैठक रखा गया था उसमें एक हम लोग मांग आज सुपथ के सुप्रीमो सुरेश महतो के पास में हम लोग रखे हैं हजारीबाग संसद क्षेत्र से माननीय चंद्र प्रकाश जो भी यहाँ पर उम्मीदवार बनाए जाए और वहाँ पर हम लोग आपको जिस तरह भाजपा राम मंदिर का बात लेके वहाँ पर वोट देता है हम लोग यहाँ पर कितना राम मंदिर बनाने का काम किए हैं, आने वाले दिन में चंद्र प्रकाश जो यहाँ पर लोकसभा का टिकट मिलता है तो सुरेश महतो को हम लोग बोले हैं कि 4.5 लाख मत से हम लोग चंद्र प्रकाश जो यहाँ पर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। यही बात होकर मैं राष्ट्र के बल्कि को जानते हैं कि 2000 जब आपको पार्टी का शुरुआत हुआ था हम भी 25 अमृत जी उनके पूर्व 25 साल कहता थे इन लोग देख के हम भी 2000 में आंसू पार्टी में शामिल होने का काम के ख्याल से के साथ मिलकर हम लोग आप लोग सही बात करना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोग का जब मंत्री जी पहले यहाँ पर आंसू का नींद रखने का काम किया है उसका उदाहरण है कि जब जब आप लोग वोट हुआ तो चंद्र प्रकाश जो आप लोग 80% वोट केवल था आप लोग देने का काम किए हैं लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आप लोग सही असर करना चाहते हैं कि आपका बल्की पूरा पंचायत में अगर आप वोट हुआ है पहले 1200 वोट आता था तो वहाँ पर बहुत लोग वोट देने में जाकर छूट जाते थे लेकिन उसको भी हम लोग आज यहाँ पर आपको देखते हुए जो 1400-1500 था उसको निकंदित करने का काम किए हैं कि 600 के जगह पर आपको वोट कराने का काम किए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर कोई वोट हो सके। इस आगे कार्यकर्ता से कहना चाहते हैं कि आपका आज सुंदरगढ़ बल्की टोला पंचायत रहा है, आने वाले दिन में भी और मजबूती के साथ में बल्की टोला अपना पंचायत बनाने के काम करेगा। यही बातों के मैं अपना मान्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाकाल।